नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। तेजस्वी यादव ने आरजेडी की विधायक दल की कल इमरजेंसी बैठक बुलाई है। दरअसल आपको बता दें कि लगातार आरजेडी जिला अध्यक्षों के नाम की घोषणा करने को लेकर लगातार माथापच्ची करी। इसी कड़ी में कल तेजस्वी यादव ने राबड़ी आवास पर विधायक दल की बैठक बुलाई है और इस बैठक के दौरान तेजस्वी यादव विधायकों का मन टटोलने की कोशिश करेंगे और रणनीति जो है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयार की जाएगी। और हो सकता है कि बैठक के बाद तेजस्वी यादव बिहार में आरजेडी के जिला अध्यक्षों का नाम का ऐलान कर देंगे। आपको बता दें कि फिलहाल तेजस्वी यादव दिल्ली में है, वो लगातार दिल्ली के चुनाव प्रचार कर रहे थे। हालांकि अब चुनाव प्रचार थम गया है, तो हो सकता है कि तेजस्वी यादव आज शाम या कल सुबह पटना लौटे और पटना लौटते ही उनके आने के बाद से ही आरजेडी की बैठक होगी और इस बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकते हैं। रूपरेखा तैयार की जाएगी आखिर किस तरीके से आगामी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा जाए। आपको बता दें कि जगदानंद सिंह ने बीते दिनों ऐलान किया था कि 5 फरवरी को आरजेडी के जिला अध्यक्षों के नाम का ऐलान होगा, लेकिन 5 फरवरी बीत गया लेकिन अब तक ऐलान नहीं हो सका। इस नहीं ऐलान होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि तेजस्वी यादव का पटना में न होना, क्योंकि जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव के ही मौजूदगी में आरजेडी के जिला अध्यक्षों के नाम का ऐलान होगा। वजह भी साफ है कि अगर जगदानंद सिंह ऐलान करते हैं जिला अध्यक्षों का, तो हो सकता है कि पार्टी के अंदर नाराजगी देखी जा सकती है, लेकिन अगर तेजस्वी यादव जिला अध्यक्षों के नाम का ऐलान करेंगे तो नाराजगी नहीं होगी। यही वजह है कि जो डेट्स हैं जिला अध्यक्षों के नाम के ऐलान का, वो बार बार बढ़ाया जा रहा है। और कल तेजस्वी यादव ने इमरजेंसी विधायक दल की बैठक बुलाई है। विधायक दलों के साथ एक लंबी बातचीत होगी, लंबी रणनीति तैयार की जाएगी। कल काफ़ी गहमा गहमी राबड़ी आवास में रहने वाली है। पूरी जो रूपरेखा है वो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयार की जाएगी। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन, हमारी इस खबर पर नज़र बनी रहेगी। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही।